हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने अनियंत्रित होकर दो राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी। ये मामला घुमारवी उपमंडल के तहत कुठेड़ा का बताया जा रहा है, जहां सुबह तेज रफ्तार से आ रही एक अल्टो कार ने सड़क पर चल रहे दो राहगीरों को इतनी जोर से टक्कर मारी कि एक राहगीर तो हवा में उछलता हुआ कुछ दूर जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस थाना घुमारवी में कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामला जो है, इस पर हमने एक सूचना मिली थी इसकी, और सूचना के आधार पे इस पर एक आपराधिक मामला जो है पुलिस स्टेशन घुमारवी में धारा 279-337 IPC में जो है तो दर्ज किया गया है। और इसमें जो जो दो लोग हैं इसमें जख्मी हुए हैं, इसमें एक विशाल शर्मा और दूसरा गुरमीत सिंह है। इन्वेस्टिगेशंस पे ये पाया गया है कि इस पे जो गाड़ी थी वो कार थी HP 23D 2579। ये सारी घटना जो है इस गाड़ी से उन लोगों को टक्कर मार के की गई है। और इस गाड़ी का जो ड्राइवर था उस टाइम, जिस टाइम इस गाड़ी को जिसने ये घटना घटित हुई है, वो श्यामलाल चला रहा था। जांच में ये तथ्य भी सामने आया है कि यह घटना जो है ये इस श्यामलाल चालक की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है काफ़ी तेज रफ्तार पे था। तो पुलिस ने गाड़ी और उसके चालक को आइडेंटिफाई किया है, इनसे बातचीत हो रही है। दोनों जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दी गई है, और इस घटना के संबंध में जो है पुलिस स्टेशन घुमारवी में जो आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। आगे की तफ्तीश जो जारी है, जिस प्रकार से भी तथ्य सामने आएंगे उसके से इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।